हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफाइड ट्रिपल सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वीडियो सीरीज के इस पांचवें वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रूफिंग का ग्रुप हम कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या यूज होते हैं। प्रूफिंग का जो ग्रुप होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जैसे कि हम कभी भी कोई गलतियां करते हैं, जैसे कि हमने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या एप्लीकेशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर ग्रामर में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो हमारी इन्हीं सारी गलतियों को बताता है कि अगर हमने कहीं पे भी स्पेलिंग में मिस्टेक की है तो वो हमें तुरंत दिखा देगा कि हमने कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर कहाँ पे ग्रामर मिस्टेक की है। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो एक रेड कलर का एरर आने लगता है, टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आती है या फिर ग्रीन कलर की लाइन। ग्रीन कलर की जो लाइन होती है वो हमेशा हमारे जो हम ग्रामर में मिस्टेक करते हैं उसके लिए आती है, और रेड कलर की लाइन जो आती है वो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आती है। कभी कभी रेयर केस में आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर की लाइन भी शो होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में आती है। जैसे कि कभी अगर हम स्पेस देना दो वर्ड के बीच में भूल गए हों, या फिर अगर हमने कभी डैश वगैरह लगाना हम भूल गए हों, तब आती है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रूफिंग का यूज कैसे करेंगे। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख रखे हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी गलती हमें नहीं नजर आ रही है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम अपने यहाँ पे स्पेलिंग्स में खुद ही मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये जो हमारा पावरफुल लिखा हुआ है, इसमें मैं यहाँ पे एक यू और ऐड कर लेती हूँ। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे पावरफुल की स्पेलिंग गलत कर दी, अपने आप ये अंडरलाइन रेड कलर की आने लगी। मैं यहाँ पे योर की जगह वाई ओ यू आर की जगह डब्ल्यू आर कर देती हूँ। थीम्स की स्पेलिंग में मैं स्पेलिंग में यहाँ पे एस से पहले यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पे एक स्पेस और एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लू कलर का एरर भी आ गया है। हेडर में मैं यहाँ पे मैंने ई हटा दिया है ताकि हमारी गलतियाँ दिखें हमें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा के बाद स्पेस, कॉमा से पहले सॉरी स्पेस दे दिया है। यहाँ पे ये देखिए, ऑफिस 16 में जो हमारा ग्रामर के लिए मिस्टेक होती है उसके लिए जो हमारा एरर आता है वो ब्लू कलर में आता है, लेकिन जो ऑफिस 16 से पहले के हमारे जितने भी वर्जन हैं उनमें ग्रामर मिस्टेक के लिए ग्रीन एरर आता है, और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जैसा कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है वही रेड एरर ही आता है। अब मैंने यहाँ पे थीम्स के पहले भी, यहाँ पे थीम्स में फुल स्टॉप से पहले भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्पेस दे दिया है। ऑप्शन में मैंने वो हटा दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है उन सभी में कुछ ना कुछ गलतियाँ दिखने लगी हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो भी स्पेलिंग में मिस्टेक किया, अब इन्हें हम सही कैसे करेंगे। सही करने के लिए हमारा ये जो रिव्यू टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके अंदर ये हमारा प्रूफिंग का ग्रुप पहला ही ग्रुप होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पहला हमारा ये जो ऑप्शन है वो है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा यहाँ साइड में एक पैने खुल के आ जाएगा, या फिर हम इसको ये जो शॉर्टकट की दिखती है इस पर कर्सर ले जाते F7, अगर हम कीबोर्ड से F7 प्रेस कर दें तो भी ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहली गलती जो की है, पावरफुल हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम अपने आप सही स्पेलिंग यहाँ पे शो हो रही है। अगर मुझे ये स्पेलिंग यहाँ पे पावरफुल की सही करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हम चेंज ऑप्शन ये जो हमारा है इसका यूज कर सकते हैं कि हमारा ये जो पावरफुल मैंने गलत लिख रखा है, डबल यू लगा दिया है पावरफुल की स्पेलिंग में, ये सिंगल यू लग जाए। जैसे ही मैं इसे चेंज करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्पेलिंग ठीक हो गई है और अपने आप जो हमारा कर्सर था नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे गलती कर रखी है उस पर पहुँच गए। अब यहाँ पे इसके सजेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड ये चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे चेंज करूँगी आप देख सकते हैं कि हमारा अगला जो हमारी गलती थी उस पर हमारा सिलेक्शन पहुँच गया है और यहाँ पे हमें सजेशन इसके भी दिख रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे ये स्पेलिंग करनी है या हाइडर करनी है या हेडर करनी है या हैंडर करनी है, जो भी करनी है मैं उससे चेंज कर दूँ। चेंज ऑल का मतलब होता है कि अगर हमने कई बार हेडर की स्पेलिंग ये वाली लिख रखी है अपने डॉक्यूमेंट में और सभी जगह मुझे यहाँ पे ये वाली हेडर की स्पेलिंग करनी है डॉक्यूमेंट में कई जगह है, तो हम यहाँ पे चेंज की जगह चेंज ऑल कर सकते हैं। इसका ये यूज होगा
कि एक बार में सारी की सारी जगह जहां भी हमने ये वाली स्पेलिंग लिख रखी होगी अपने आप ये वाली स्पेलिंग सभी जगह हो जाएगी चेंज। तो अगर एक से ज्यादा बार हमने ये गलती कर रखी है, यही वाली स्पेलिंग लिख रखी है, तो हम चेंज ऑल का यूज करें, ना कि चेंज का। अगर मान लीजिए हमारी ये स्पेलिंग सही थी, फिर भी कंप्यूटर गलती दिखाता है, कभी कभी हो जाता है कि अगर हमारा नाम, जैसे अगर आप अपना नाम लिखेंगे, या फिर हो सकता है आपकी डिक्शनरी में कंप्यूटर की ऐड हो आपका नाम, या आप कोई ऐसा नाम लिखिएगा जो आपकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ना ऐड हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई एक नाम लिख दिया, मैं एक नाम लिखती हूँ यहाँ पे शिप्रा, ये भी नाम में नहीं गलती दिखा रहा है। आप मान लीजिए कुछ भी नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, उसके नीचे भी इसमें रेड कलर की लाइन आएगी। वो इसलिए आती है क्योंकि आपके जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है उसमें ये नाम सेव नहीं होते हैं। अगर हम जैसे इसी स्पेलिंग को मान लें कि ये हमारी ठीक है बट फिर भी एरर दिखा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस स्पेलिंग को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी इसका पूरा नाम होता है, अगर हम इसे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो ये आज के बाद फिर कभी भी इसे गलत नहीं दिखाएगा। हम जब भी ये स्पेलिंग लिखेंगे इसे ये सही दिखाएगा, जैसे कि ये सारे के सारे वर्ड दिख रहे हैं। इसी तरह से इसके नीचे कभी एरर नहीं आएगा। इग्नोर वंस का मतलब है अगर हम यहाँ इसे ऐड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी इसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ हमारा ये एरर ना आए, और अगर हम कभी दूसरा डॉक्यूमेंट खोले उसमें फिर से दिखाएं, तो हम यहाँ पे इग्नोर वंस कर सकते हैं। इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल में डिफरेंस ये होता है कि अगर हमने एक बार ये पूरे डॉक्यूमेंट में ये वाला जो हमने वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ हम इसे एक बार इग्नोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ इग्नोर वंस करेंगे। अगर हम चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी बार ये लिखा हुआ हो सभी जगह ये इग्नोर ऑल हो जाए, तो जितनी भी बार लिखा होगा ये सभी की सभी बार इग्नोर ऑल, मतलब इससे रेड एरर हट जाएगा। तो ये होते हैं इन सारे के सारे ऑप्शंस के यूज। आइए पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। मैंने इसे इस वाले सजेशन से चेंज कर लिया है। देख सकते हैं अब आप हमारे जो नेक्स्ट हमारी गलती थी वहाँ पे हमारा सिलेक्शन फिर से पहुँच गया है। मैंने यहाँ पे योर पे ही सिलेक्शन रखा अपना, फिर से मैंने इसे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारा दिखा रहा है ये हमारी आ रही है ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक में ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया है कि एस, और इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था इसे ये ख़त्म कर देगा। मैं जैसे ही इसे चेंज करूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारा अब जो नेक्स्ट गलती है थीम में, हमने यहाँ पे एक फुल स्टॉप मैंने यहाँ पे स्पेस देने के बाद दे दिया था, यहाँ पे दिख रहा है कि तुरंत ही थीम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। मैंने इसे फिर से चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे थीम के बाद फिर से यहाँ पे दे रखा है, मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब यहाँ ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप सजेशन आ रहे हैं क्या करना है, मुझे पोम यहाँ पे ऑप्शंस करना है, यहाँ पे प्रियंस करना है, यहाँ पे कोई और स्पेलिंग चेंज करनी है। मैंने यहाँ पे यूज करना है ऑप्शंस का, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। अब हमारे पूरे के पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हमें एक भी गलती नहीं दिख रही है। अब अगर हमने सारी की सारी अपनी गलतियाँ सही कर ली हैं, सारी की सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे तो हमारे कोई भी विंडो नहीं खुलेगी या कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। ये बात याद रखिएगा, जब तक हमारे डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होगी तब तक हमारा ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जो हमारी विंडो होती है या फिर जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारा होता है थिसोरस। इसका यूज हम क्यों करते हैं? अगर हमें कभी सिनोनिम की ज़रूरत हो, मुझे यहाँ पे जानना है कि जैसे मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे जानना है कि किंग को हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, किंग को हम कितनी स्पेलिंग्स हैं जो हम जानना चाहते हैं, या फिर हमें घर पे किसी को पढ़ाना हो या फिर मुझे ही कुछ बताना हो, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे थिसोरस पे साइड में हमारे यहाँ पे फिर से एक पैने खुल के आएगा और यहाँ पे मुझे जिस भी स्पेलिंग को फाइंड करना है मुझे यहाँ पे उसे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किंग को जैसे ही लिखूंगी, ये जो बटन है यहाँ पे सर्च की, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं हम जो भी चीज़ें किंग को बोल सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। हम रूलर भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पे मोनार्क भी बोल सकते हैं, हम लीडर भी बोल सकते हैं, हम हेड भी बोल सकते हैं, मतलब जितने भी तरीके होंगे वो सारे के सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें मुझे यहाँ पे पता करना था जैसे कि हाँ रीडिंग के बारे में, मुझे रीडिंग के सिनोनिम पता करने थे तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही यहाँ थिसोरस पे क्लिक करूँगी देख सकते हैं आप अपने आप ही सर्च बॉक्स में रीडिंग लिख के आ गया है और हम जो जो चीज़ें रीडिंग को बोल सकते हैं वो अपने आप यहाँ पे सिनोनिम आ गए हैं।
देख सकते हैं आप, ये देखिए सारे के सारे हमें शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो ये हमारी क्लोज की बटन, मैंने इसे क्लोज कर दिया। इसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा कहलाता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? अगर मुझे पता करना है कि हमारा ये जो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो कितने पेज का है, कितने पैराग्राफ हैं इसमें, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर हमारे स्पेस के साथ लिखे हुए हैं या कितना कितने बिना स्पेस के साथ लिखे हैं, ये सारी की सारी डिटेल। एक तरीका तो है, हमें कुछ शॉर्ट में डिटेल मिलती है, ये जो हमारा स्टेटस बार है यहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही हैं कि हमारा वन पेज है इस समय और हम इस समय पहले ही पेज में हैं, या यहाँ पे हमने कितने वर्ड लिख रखे हैं, या लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट है। अगर मुझे यही सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए हो तो यहाँ पे हमारा ये जो वर्ड काउंट है मैं इस पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड काउंट पर क्लिक किया, मेरा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, मेरी यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ रही है वर्ड काउंट के नाम की, और यहाँ पे कितने हैं, वन पेज है जो कि सही है, वर्ड्स मैंने कितने लिख रखे हैं, यहाँ पे वर्ड्स वन दिखा रहा है, कैरेक्टर्स नो स्पेस, मतलब कैरेक्टर जो बिना स्पेस के साथ हैं वो हमारे सेवन। हाँ, गलती हमने क्या की है यहाँ पे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, इसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट में जितना लिखा है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट हम कैसे करेंगे, कंट्रोल ए हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, इससे भी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम हमारा जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसे हम इस तरह से ड्रैग करके ला सकते हैं जहाँ तक का हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। और मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया है उसके बारे में डिटेल जाननी है पूरी की पूरी, हम यहाँ वर्ड काउंट पे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा वन पेज है, वर्ड्स हमारे कितने हैं, 240 हैं, कैरेक्टर्स जो हमारे हैं वो बिना स्पेस के कितने हैं, वो हमारे यहाँ पे 1063 हैं, और हमारे यहाँ पे विद स्पेस भी आप देख सकते हैं दिख रहे हैं, पैराग्राफ 5 हैं, और लाइंस कितनी है, 16 है। आप एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको पूरी की पूरी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।